निकाह के मौके पर मर्द हजरात इतने खुराफात नहीं करते जितनी औरतें करती हैं। एक बात उसूली तौर से हम अपने जहन में रखें कि नमाज एक इबादत है, ज़कात, रोज़ा, हज, ये सारे इबादत हैं। मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, निकाह भी एक इबादत है, निकाह भी एक इबादत है, और इतनी तवील इबादत है, इतनी लंबी इबादत है कि निकाह ख्वां के सामने जब दूल्हा कह देता है कि मैंने कबूल किया, ईजाब कबूल के बाद से ये इबादत शुरू होती है, खत्म कब होती है? मौत पे जाकर। इतनी लंबी इबादत, इतनी लंबी इबादत। तो कोशिश हम ये करें कि निकाह की मुबारक इबादत को, शादी वाले मुबारक अमल को हम लोग गैरों की खुराफात रसूमात के नजर न करें, बल्कि इबादत समझकर सबसे पहले घर वालों की जहन साजी हो, रिश्तेदारों की जहन साजी हो, मोहल्ले वालों की जहन साजी हो, उनसे कहा जाए कि फला महीने फला तारीख को हमारे यहाँ शादी है, और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी शादी सुन्नत के मुताबिक हो, उसमें ढोल बजाना, गाना गाना, रक्स सरोद, इस किस्म की चीजें हमारे शादी में नहीं हों। मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, आप महसूस न फरमाएं, मुसलमानों के अंदर गैरों के रसूमात इतने सिरायत कर गए कि मुसलमान उन रसूमात की तकमील के बगैर अपने शादी को शादी ही नहीं समझते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्लों में जो बाबरकत ख्वातीन अपने बेटे बेटियों की शादी करते हैं, तो गाना बजाना सिलसिला, जितने खुराफात सब खत्म, कुछ नहीं। से बात दूर की औरतें आती हैं, वो पूछती हैं कि तुम खुशी में हो या मातम में हो, तुम खुशी में हो या खुदा न खासा मातम में हो, मतलब ये कि यहाँ टैप नहीं चल रहा है, गाने नहीं बज रहे हैं। दूर की औरतें आके परेशान होती हैं, अफसोस सद अफसोस, क्या हमारी शादियां इस तरह मुकम्मल होंगी कि जब हमारे शादियों में यहूदियों के खुराफात उनकी आदतें हों, ईसाई और हिंदुओं के फजूल किस्म के रसूमात हमारे घरों में हों, और जानी और जानियात की आवाजों के बगैर, उनके गानों के बगैर क्या हमारी शादियां मुकम्मल नहीं होंगी? मेरे प्यारों, इस बात को खूब याद रखो, और एक दूसरे को ये बात बखूबी समझाई जाए कि निकाह एक इबादत है, निकाह एक इबादत है, निकाह एक इबादत है, इसको गैरों के रसूमात के हवाले न करो। चंद बच्चियां अगर गलती कर बैठती हैं तो बड़ी औरतें उनको समझा देंगे, खबरदार हमारे बाबरकत घर को बेबरकत न बनाओ, बाबरकत घर को बेबरकत न बनाओ। ये हम बखूबी जानते हैं, आप यहां तशरीफ फरमा हैं और फरिश्ते मौजूद हैं, आप अल्लाह का नाम लेते हैं, उसकी एक तासीर है। इसी तरह आप घर में तिलावत करते हैं, उसकी एक तासीर है कि आपके दर दीवार मुनव्वर और रोशन होते हैं। इसके मुकाबले में घर में अगर गाना बजाया जाए, अल्लाह की नाफरमानियां की जाएं, क्या ख्याल है?
وہ ہندو عورتوں کی آواز ان کے گانے جب گھر کے در و دیوار سنیں گی کیا اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوگا؟ نہیں. یہ فضول گانے, فضول رقص اور ناچ اپنے ساتھ نحوستیں لائیں گی. اور آپ یقین جانیں ہمارے سامنے کئی ایسی شادیاں ہیں, انہوں نے شادی کی, سمجھایا گیا کہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو دور کرو, پوری رات پورے محلے کو اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں, گانا زوردار آواز سے. اس بے برکتی کا نتیجہ کیا ہے؟ کبھی تیسرے دن طلاق, کبھی ایک ہفتے کے بعد طلاق, کبھی ایک مہینے کے بعد بیوی بھاگ کے اپنے والدین کے گھر میں چلی جاتی ہے. ظاہر ہے ان بد اعمالیوں کی وجہ سے رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی, آفتیں نازل ہوں گی اور فضولیات نازل ہوں گی. اس لیے ایک درخواست, یہ چونکہ بہت تفصیلی موضوع ہے لیکن جو اصل پوائنٹ ہے میں نے آپ کو بتلا دیا, وہ یہ کہ نکاح اور شادی موقع اور شادی کے موقع پر دلہا والے بھی اور دلہن والے بھی یہ طے کریں کہ ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے. اگر کوئی جاہل مرد, جاہل عورت اگر ہمیں طعنا دے ہم پرواہ نہ کریں, سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے. آپ کے پیش نظر اللہ کی رضا ہو, اللہ کی رضا ہو, پوری دنیا ناراض ہو اللہ راضی ہو, اللہ اکبر, بڑی بات ہے. اللہ راضی ہو, دنیا میں بھی عافیت, موت کے وقت بھی عافیت, موت کے بعد بھی عافیت.